Union Minister Nirmala Sitharaman, condemning the terror attack, has said that these are clear attempts to destabilize the internal peace and harmony in the country. Yes, it's absolutely condemnable and very clearly these attempts to destabilize the internal peace and harmony which is prevailing in the country. Minister of State for Home Affairs Hansraj Gangaram Ahir has said that the government of India is taking the attack on the Uri sector very seriously. हमारे मिलिट्री के मुख्य कार्य कैंप पर जो हमला हुआ उसमें काफ़ी लोगों को शहीद हुए हैं और ये है चैलेंज भी है दुर्दैव भी है लेकिन हम लोग और हमारा रक्षा मंत्रालय होम मिनिस्ट्री इसको गंभीरता से लिए है सरकार ने गंभीरता से लिया है ये अक्षम्य गुनाह है हम समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान को माफ़ करें ये इतनी आसान गलती नहीं है और जानबूझ के पाकिस्तानी आतंकी यहाँ घुसे थे और ये पाकिस्तानी होने की भी शिनाख्त हो चुकी है तो किया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे हम Senior Congress leader Ghulam Nabi Azad has said that in this hour of crisis, the entire country is united. He said the need of the hour is to boost the morale of the security forces and give a befitting reply to the enemy. पूरा भारत देश, पूरे देश की जनता आर्मी के साथ है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने में शामिल है और इससे जो नुकसान है हुआ है उसे पूरा तो नहीं किया जा सकता है लेकिन हमें और हिम्मत से और बहादुरी से और दिलेरी से जो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं उनका मुकाबला करना होगा और डट के मुकाबला करना होगा और उनको एक दफ़ा ये दिखाना होगा कि 17 आर्मी के जवान मारने से हमारा मनोबल गिर नहीं सकता Deputy CM of Jammu and Kashmir Nirmal Singh has said it's a proxy war against India. He said Pakistan is using militants and separatists as a tool to destabilize India. बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के खिलाफ यहाँ पर सभी लोग जो अलगाववादी हैं मिलिटेंट हैं या पाकिस्तान है ये कुल मिला के आपस में इनकी मिलीभक्ति नहीं है एक पूरे एक कॉन्स्पिरेसी के ये हिस्सा हैं और सभी उसमें जो जम्मू का कश्मीर में जो हो रहा है जो राजौरी में पुंछ में डोडा में अलग करने खराब करने की जो कोशिश की जा रही है तो इसमें सभी का हाथ पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो रिएक्टेड शार्पली ओवर द उरी अटैक वंस अगेन द पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक इन इंडियन टेरिटरी वंस अगेन एन फिदाइन अटैक इज कैरिड आउट in one of the army brigade headquarter located in Uri, North Kashmir. And this poses serious of threats to our security and sovereignty of our nation. We can't take it lightly. This is very serious matter.